हेलो फ्रेंड्स, मॉम्स रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही हेल्दी लड्डू, रागी के लड्डू। मिलेट्स आटा खाना सब पसंद करते हैं क्योंकि बहुत ही हेल्दी होता है, तो हम आज इसी के लड्डू बनाने वाले हैं जो कि इम्यूनिटी बूस्टर भी हैं और कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर भी हैं। तो चलो झटपट बनाना शुरू करते हैं। रागी के लड्डू बनाने के लिए हमने पैन रख दिया। हम लेंगे 2 कप रागी का आटा, ये करीबन 250 ग्राम रागी का आटा है। अब इसको हम भून लेंगे, स्लो फ्लेम पे इसको भूनेंगे क्योंकि अगर आप तेज पे भूनेंगे तो ये जल जाएगा और इसका स्वाद भी अच्छा नहीं आएगा। तो इसको हिलाते जाएंगे और इसको भूनेंगे। लगभग 1 मिनट के लिए हमने इसको ऐसे ही भून लिया। ये हमने 50 ग्राम घी लिया, 1/4 कप, जो भी कप से आप मेजर करेंगे उसका 1/4 कप। अब हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। घी और डाल देंगे इसमें। मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हमने घी को मिक्स कर लिया। बहुत ज्यादा घी हम नहीं डालेंगे इसमें, अभी स्टेज पे हम इतना ही घी डालेंगे। अब इसको भूनेंगे, लो पे ही भूनना है हमने इसको। बहुत ही अच्छा इसका एकदम से खुशबू आने लगेगी आपको। जब ये भून जाएगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसका जो फ्लेवर है, इसकी खुशबू आने लगेगी आटे की। अभी जैसे हम जैसे जैसे भूनता जा रहा है, हल्की हल्की इसकी खुशबू आने चालू हो गई है। अगर आप स्लो पे भूनेंगे तो इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा, अगर तेज पे भूनेंगे तो इसमें वो फ्लेवर नहीं आएगा और जल जाएगा ये। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको एक बाउल में निकाल लेंगे सारा आटा। अभी हमने तिल लिए, 1 कप के करीब तिल है। तिल आप जितने मर्जी डाल सकते हैं, जितनी आपकी इच्छा हो। हम इसको अब ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तिल भी कैल्शियम से भरपूर होते हैं, हम स्लो पे ही करेंगे इसको ड्राई रोस्ट। मेरे चैनल हम सर्दियों में आटे के लड्डू बनाते हैं, गोंद वाले लड्डू बनाते हैं, वो उसकी रेसिपी भी है और इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू भी हैं, बेसन के लड्डू भी बनाने बताए हैं मैंने। तो आप ये सारे लड्डू मेरे चैनल पर जाकर चैनल पर रेसिपी चेक कर सकते हैं और सर्दियों में बना सकते हैं, क्योंकि दिवाली का भी त्यौहार आ रहा है और सर्दियाँ भी हैं, तो दोनों में ही हम लड्डू तो बनाते ही हैं और जो सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं। ये तिल हमारे रोस्ट हो गए हैं, बस अब हम इसको निकाल देंगे। पैन में हम ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करेंगे, आप कोई से भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। मैंने बादाम लिए, थोड़े से काजू लिए, 1/4 कप ही लिए और अखरोट लिए। इसको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। आप ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्जी के ले सकते हैं, आप मूंगफली डालना चाहे मूंगफली भी डाल सकते हैं, आप जो भी चीज इसमें डालना चाहे वो डाल सकते हैं। बस उसको थोड़ा ड्राई रोस्ट कर लें ताकि उसका फ्लेवर और भी इनहेंस हो जाए। आप इसमें पिस्ता भी डाल सकते हैं, इसमें सनफ्लावर सीड भी डाल सकते हैं, पम्पकिन सीड भी डाल सकते हैं, आप मेलन सीड भी डाल सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो वो डाल सकते हैं, और बिना ड्राई फ्रूट के भी आप बना सकते हैं। अब हम गुड़ लेंगे, इसके लिए हम चाशनी बनाएंगे। ये हमने जितना आटा लिया उतना ही गुड़ लिया, इसके अंदर डालेंगे 1/4 कप पानी। अब गुड़ को छोटे छोटे पीसेस में काट लीजिए ताकि ये बहुत जल्दी से मेल्ट, हमारा मेल्ट होने चालू हो गया। बस इसको हमने मेल्ट ही करना है, इसको हम तार का हमने चाशनी नहीं बनानी इसकी, बस मेल्ट करके हमने चेक करना है कि ये थोड़ा चिपचिपा हो जाए, उसके बाद हम गैस बंद कर देंगे। हमारी चाशनी एकदम गुड़ मेल्ट हो गया, हमने इसकी चाशनी गाढ़ी नहीं करनी, अगर गाढ़ी करेंगे तो लड्डू आपके सख्त बन जाएंगे। गुड़ मेल्ट हो गया हमारा, हमने गैस बंद कर दी। आप एक बार इसको जरा सा ठंडा करके ऐसे चेक कर सकते हैं, चिपचिपी चाशनी होनी चाहिए। हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार है, अब हम इसको उसमें पलटा देंगे। ये ड्राई फ्रूट ठंडे हो गए, इसके अंदर मिक्सी के जार में डाल के हम इसको पीस लेंगे, थोड़ा दरदरा पीसेंगे हम। हमने इसको पीस लिया, हमने दरदरा ही पीसा है, कोई कोई पीसेस भी रहने दिए हैं इसमें। आप चाहें जैसे आप चाहें तो इसको बिल्कुल पाउडर भी बना सकते हैं। अब ये हम इसके अंदर डाल देंगे जो हम ड्राई फ्रूट का पाउडर बनाया हमने। ये तिल भी हम इसके अंदर डाल देंगे, इसको मिक्स कर देंगे। गुड़ भी डाल लेंगे हम थोड़ा थोड़ा करके, एक साथ हम सारा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा बचा लेंगे, फिर जरूरत लगेगी तो हम और डालेंगे। हम ऊपर ऊपर से डाल रहे हैं ताकि जो इसकी मिट्टी है वो नीचे ही रह जाए, इसमें इम्प्योरिटीज भी होती हैं गुड़ में।
अभी हम मिक्स करके देख लेंगे, फिर हमें और चाहिए होगा तो हम और डाल लेंगे। मिक्स कर लेंगे। गुड़ उतना ही डालना है जितना इसके अंदर मिक्स हो जाए। थोड़ा सा घी का हाथ लेंगे लेंगे मिक्सचर इसका। थोड़ा गर्म में ही आपको लड्डू बनाने होंगे, ठंडा हो गया तो फिर लड्डू नहीं बन पाएंगे। ये देखिए लड्डू बनके तैयार हो गया। ऐसे ही जितने भी साइज के आप चाहते हैं उतने साइज के आप लड्डू बना सकते हैं। देखिए ऐसे हम सब लड्डू बना लेंगे। रागी के लड्डू बनकर तैयार है। आपको पता ही है प्रोटीन और कैल्शियम से भरपूर है। आप इसमें जितने भी ड्राई फ्रूट्स चाहे उतने डाल सकते हैं और बहुत झटपट से ये तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल हेल्दी लड्डू है, आप आराम से विदाउट गिल्ट ये खा सकते हैं। रोज आप एक लड्डू जरूर खाएं और बच्चों को भी खिलाएं तो उनकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी हम नया कंटेंट डालें तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।